कोरोना संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के बजट 2021-22 को पेश किया। कोरोना महामारी और हेल्थ सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी उसी के हिसाब से मोदी सरकार ने अपने इस बजट में हेल्थ सेक्टर खासकर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खजाना खोल दिया। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड का ऐलान किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल देश में कोरोना की वैक्सीन का विकास, वितरण और टीकाकरण करने में किया जाएगा। I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening three areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है। इसे 94,000 से 2,38,000 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार इस सेक्टर में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। बजट में घोषणा की गई है कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, 9 बायोलैब भी बनाई जाएंगी, 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी घोषणा की है कि न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2,000 करोड़ रुपए का खर्च स्वच्छ हवा के लिए किया जाएगा। मोदी सरकार ने कोरोना काल से सबक लेते हुए हेल्थ सेक्टर में बड़े सुधारों के लिए भारी भरकम रकम को हेल्थ सेक्टर में खर्च करने का फैसला लिया है। बजट के जरिए सरकार ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया ताकि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की गाड़ी पटरी पर वापस लौट सके। नवल टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।